तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, क्योंकि है बहुत ज़रूरी बात। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल यानी कि 1 फरवरी से 12th क्लास के स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। क्लास 12th का एग्ज़ाम कल से यानी कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट और सेकंड पाली दोनों एक पाली में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जिसका जिस तरह से रूटीन है उस हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। लेकिन आज के इस वीडियो में एग्ज़ाम में किस तरह आप लोगों को कॉपी लिखना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन होता है, उन सभी कंफ्यूजन पर आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ और सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। थोड़ा हेजिटेशन भी होता है कि पता नहीं कैसा मेरा एग्ज़ाम होगा, खुशी भी होती है कि मेरा एग्ज़ाम होगा, और गम भी होता है कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। कभी खुशी कभी गम वाला मोमेंट, और बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है स्टूडेंट के साथ। तो मैं सकती हूँ, और इस तरह होना भी चाहिए क्योंकि माइंड अच्छा नहीं रहेगा, आप सोचने समझने की क्षमता नहीं रहेगी, तो आप इस तरह करेंगे भी नहीं। मैं हालांकि कल कम्युनिटी में पोस्ट करके आप सभी से पूछी भी थी कि जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम से पहले, जो भी कंफ्यूजन है, आप हमें कमेंट में लिखकर बता दीजिए, मैं आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछे भी थे और कुछ लोग नहीं देखे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी कंफ्यूजन एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट के माइंड में रहता है, उन सभी कंफ्यूजन को मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे, क्या होगा, मतलब किस तरह से, अगर उर्दू का एग्ज़ाम है तो स्टार्टिंग कैसे करें, हिंदी इंग्लिश है तो कैसे, मतलब किस तरह एग्ज़ाम में कॉपी लिखे कि फुल मार्क्स मिल जाए, एक नंबर भी ना कटे, उसके बाद से प्रश्न का उत्तर नहीं पता, क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करें, अगर क्वेश्चन छूट गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन छूट गया तो हम लोग क्या करें, निबंध वगैरह 2-3, और ये बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में पूछ रहे थे और कम्युनिटी में भी क्वेश्चन किए थे। तो इन सभी टॉपिक्स पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन इन सभी क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं अपना दायित्व तो पूरा कर लूँ। सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आगे जाकर देखेंगे, या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं या फिर नहीं रखे हैं, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, आप सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप सभी विद्यार्थियों को हमारे और हमारे इस एकेडमी के सभी शिक्षकों की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग जाए अच्छे तरीके से एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम दें, और मेरा गॉड से प्रे है, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आप लोगों के कलम में इतनी ताकत आ जाए, आप लोगों के हाथ में इतनी शक्ति आ जाए, आप लोगों की स्मरण शक्ति इतनी बढ़ जाए कि आप हर प्रश्न का उत्तर एकदम सही सही और एकदम बढ़िया से लिख कर आएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से और सही सही लिखें, और एग्जामिनर के कलम में इतनी ताकत हो कि जब वो आपका कॉपी चेक करे तो एकदम सही तरीके से चेक करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दें, और आप अपने एरिया के टॉप ऑफ द बेस्ट बने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आशीर्वाद, ढेर सारी दुआएं मेरी तरफ से। अब हम आपके सवालों के जवाब देते हैं जो आप लोग के माइंड में हमेशा रहता है। सबसे पहला सवाल और सबसे, मतलब आप बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है, सभी स्टूडेंट, लगभग हर स्टूडेंट जो है ना, हर स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल रहता है कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें कि फुल मार्क्स मिल जाए। तो सबसे पहले तो इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर उर्दू हो, किस तरह लिखें। तो सबसे पहले तो आप लोग जाकर अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाए, अपना सीट ढूंढ कर, उसके बाद से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट भी आप लोगों को मिलेगा। आंसर शीट कहते हैं जिस पर आंसर लिखा जाता है, जिस कॉपी पर आप लोग आंसर लिखते हैं ना, उसको कहते हैं आंसर शीट, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट भी मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ ले, 15 मिनट मिलता है पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर, आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ ले, देख ले क्या क्या लिखा हुआ है, कौन से खंड में कितना क्वेश्चन दिया है और कितना में से कितना का आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव में कितना पूछा है और कितना में से कितना का आंसर देना है, अच्छे से पढ़ ले क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। और जो भी आप लोगों का आंसर शीट है उस पर नाम, ऐसे तो फोटो लगा ही रहता है, नाम वगैरह लिखा ही रहता है, बस रोल कोड और रोल नंबर भरना रहता है। तो जो भी है आप लोग एकदम केयरफुली भरे रोल कोड रोल नंबर, और फिर आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए सिंपल सा एक मैं नमूना ली हूँ, डेमो करके आप लोगों को दिखाती हूँ। समझिए कि ये आप लोगों का आंसर शीट है, क्या है आंसर शीट, जिस पर आप लोग आंसर लिखते हैं। ये रियल वाला नहीं है, रियल वाला ऐसा नहीं होगा, वो मोटा होगा बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मिल गया है, आंसर शीट भी मिल गया है, आंसर शीट का जो फ्रंट पेज रहता है यहीं पर आप लोग का फोटो रहता है, नाम वगैरह लिखा रहता है, रोल कोड रोल नंबर भरना रहता है। तो सबसे पहले रोल कोड रोल नंबर भर ले, ठीक है, मान लीजिए फ्रंट पेज है तो फ्रंट पेज पर आप रोल कोड रोल नंबर भर लिए। अब करना क्या है, सिंपली सबसे पहले आप लोगों को आंसर शीट को चार भागों में मोड़ना है, यानी कि फोर फोल्ड करना है, सबसे पहले यही काम करना है। जब आप लोग रोल कोड रोल नंबर लिख लें तो आंसर शीट को, जो जिस पर आप लोग आंसर लिखते हैं उस कॉपी को आप लोग चार भागों में मोड़ें। कैसे, अब मैं आप लोग को मोड़ कर दिखाती हूँ। ये हो गया आप लोग का आंसर शीट, समझ लीजिए कि ये आप लोग का आंसर शीट है, इसको चार भागों में यानी कि फोर फोल्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो कोना है
ये और ये वाला, इसको ले जाकर ये वाले और ये वाले कोने से मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। इस तरह करके और अच्छे तरीके से इसको इस तरह एक बार मोड़ लीजिए, तो ये हो गया डबल फोल्ड, एक ये और एक ये, इसको फोर फोल्ड करना है, तो ये तो डबल फोल्ड हो गया। एक बार और ऐसे करेंगे और फिर ये वाले कोने को अच्छे से इसमें मिलाकर फिर इसको भी अच्छे से एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को मोड़ना है। मोड़ना तो आप लोगों को आ ही जाएगा, एकदम सिंपल सा तरीका है, और अच्छे से इसको ऐसे अच्छे तरीके से मोड़ लें। तो अब देखिए, अब ये हो गया आप लोगों का फोर फोल्ड, 1 2 3 4, चार भागों में ये कागज़ जो है ना, ये आप लोग का आंसर शीट मुड़ गया, ये फोर फोल्ड हो गया इस तरह। लेकिन ध्यान रहे, जब जो आप लोग का आंसर शीट मिलेगा ना वो मोटा होगा, तो इस तरह फोर फोल्ड नहीं हो पाएगा, वो मोटा होगा तो इस तरह फोर फोल्ड नहीं हो सकता है। तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, जब वो मोटा रहेगा आंसर शीट तो कैसे फोर फोल्ड करना है, चार भागों में कैसे मोड़ना है। तो मान लीजिए ये आप लोग का आंसर शीट है, मोटा है, तो इस तरह तो हो नहीं सकता है फोर फोल्ड। तो आप क्या करें, जो आप लोग का आंसर शीट है ना, सबसे पहले उसको डबल फोल्ड कर दें, दो भागों में बांट दें, ऐसे कर दिए, ठीक है। दो भाग में तो मुड़ जाएगा, कितना भी मोटा रहेगा तो दो भागों में मोड़ दिए। उसके बाद से क्या करना है, फिर इसको खोल लेना है, और फिर ये वाला जो भाग है, ये वाला साइड, इसको ले जाकर जो बीच वाले जो मोड़ है ना, ये जो आप लोगों को लाइन दिखाई दे रहा है, इसमें ले जाकर ऐसे मिला देना है, ठीक है, एकदम सीधा, और फिर इसको कर देंगे, ठीक है। इसको मोड़ देंगे तो देखिए, एक दो तीन भाग हो जाएगा, और फिर एक दो तीन भाग हो जाएगा ना, फिर उसके बाद से ये वाला जो साइड है, फिर इसी लाइन के, इसी बीच वाले लाइन में लाकर ऐसे मिला देना है, और फिर इसको ऐसे मोड़ देना है, तो ये फोर फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, फोर फोल्ड, यानी कि चार भागों में मुड़ जाएगा। ध्यान रहे, आंसर जो शीट मिलता है ना वो मोटा होता है, तो इसी तरह आप लोग मोड़ेंगे, सबसे पहले बीच से ऐसे मोड़ देंगे, उसके बाद से खोल कर साइड वाला एक बार इस तरह और एक बार इस तरह, और मोड़ देंगे तो चार भागों में मुड़ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या होता है, जब आप लोग चार भागों में मोड़ दिए तो आप क्या करेंगे, ये जो एक पहला भाग है इसको नंबरिंग के लिए छोड़ा जाता है, मतलब ये जो पहला भाग है ना, पहला हिस्सा, पहले हिस्से में नंबरिंग लिखा जाता है कि कौन से क्वेश्चन नंबर का आप लोग आंसर देना चाहते हैं, और बाकी तीन हिस्से में आंसर लिखा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं कि तीन, इसको चार फोर फोल्ड तो करते ही नहीं है, जो लाइन दिया रहता है उसमें इसी, जैसे कि यहाँ पर लाइन दिया हुआ है ना, इसी को लाइन मानकर और आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। इसको पहले फोर फोल्ड चार भागों में मोड़ देना है, और एक हिस्सा छोड़कर तीन हिस्से में आंसर लिखना है, और ये जो पहला वाला हिस्सा है इसमें आप लोगों को नंबरिंग डालना है, ठीक है। जैसे कि अब मैं कलम ले लेती हूँ, एक मिनट, कलम कहाँ चला गया, यहीं पर तो रखी थी, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। तो मैं आप लोगों को लिख कर बताती हूँ। और हाँ, यहाँ पर एक और बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है सबसे पहले उसी का आंसर लिखें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देख लें, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है सबसे पहले उसी का फटाफट आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, ये चार भागों में है, एक एक दो तीन चार, चार भागों में है ना, तो ये जो एक हिस्सा है, ये पहला वाला हिस्सा, इसमें आप लोगों को नंबरिंग डालना है। कैसे लिखेंगे, हिंदी में अगर आप लोग लिख रहे हैं, हिंदी में, तो चाहे साइंस का हो या फिर आप लोग बोल सकते हैं हिंदी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएसटी का, हिंदी में अगर आप लोग लिख रहे हैं तो सिंपली लिखेंगे कैसे, मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पता है, तो 2 का ही, अब जरूरी नहीं कि आप नंबरिंग 1 2 करके ही आप लोग आंसर देंगे, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है ना उसी को सबसे पहले लिखें। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोगों को नहीं मालूम है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी नहीं मालूम है, 3 का आप लोगों को आंसर पता है, तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को देखती हूँ मैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3 और फिर उत्तर लिख देते हैं, तो इस तरह आप लोगों को नहीं करना है। देखिए इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, 3 नंबर लिख देते हैं और आंसर देते हैं, इस तरह आप लोगों को नहीं करना है, ये गलत तरीका होता है। अब मैं बताती हूँ सही तरीका क्या है। आप लोगों को मान लीजिए 3 नंबर का आंसर पता है, तो सिंपली आप नंबरिंग कैसे डालेंगे, डालेंगे ऐसे, प्रश्नोत्तर 3, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर लिखकर और फिर डैश दे देना है और 3 दे देना है, यानी कि 3 नंबर प्रश्न का ये उत्तर है, प्रश्न का उत्तर, दोनों को मिला दिया जाता है ना तो प्रश्नोत्तर बनता है, तो आप लोगों को लिखना है प्रश्नोत्तर और डैश देकर 3, यानी कि 3 नंबर प्रश्न का ये उत्तर है, और फिर यहाँ से आप लोगों को आंसर लिखना है। मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा दे रही हूँ, देखिए प्रश्न प्रश्नोत्तर लिख दिया गया है, फिर डैश देकर 3 दे देना है। इसी तरह आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना है तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर लिखें और जितना नंबर क्वेश्चन है उतना नंबर डाल दें, ठीक है। इसी तरह अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया आंसर, फिर 4 नहीं मालूम है, 5 आप लोगों को आंसर पता है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो फिर से लिख दीजिए प्रश्नोत्तर, यहाँ पर प्रश्नोत्तर 5 और फिर आंसर लिखना, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए
कोई कोई ऐसा सवाल होता है ना प्रश्न, जिसमें मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी ए बी सी डी क ख ग करके 5 क्वेश्चन दिया है कि 5 में से किसी 3 का जवाब दीजिए, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, प्रश्नोत्तर इस तरह 5 लिख देना है। एक बार फिर से लिख कर मैं बता दे रही हूँ, प्रश्नोत्तर इस तरह 5 लिख कर और फिर डैश दे देना है, और 5 नंबर में जो क ख ग घ दिया है 5 क्वेश्चन, उसमें से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, क का नहीं मालूम है, ख का पता है या फिर क का ही मालूम है, तो देखिए प्रश्नोत्तर 5 लिख दिए हैं और डैश देकर क लिख दिए। अगर 5 नंबर क्वेश्चन का क आंसर पता है क का, तो 5 प्रश्नोत्तर 5 और डैश देकर क लिख दीजिए और क का आंसर लिखिए। फिर अगर आपको ख नहीं मालूम है, ग का आंसर मालूम है, क्वेश्चन नंबर 5 ही का ग आंसर पता है, तो ग यहाँ पर लिख दीजिए तुरंत, और फिर यहाँ पर प्रश्नोत्तर 5 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रश्नोत्तर 5 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं और क का आंसर दे दिए हैं। अब 5 ही नंबर क्वेश्चन का जो ग वाला क्वेश्चन है, तो ग नंबर डायरेक्ट लिख दीजिए और यहाँ पर दोबारा प्रश्नोत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग लिख दीजिए और ग लिखने के बाद यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग लिख दिए हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर 7 का आंसर लिख दिए हैं और फिर आप चाहते हैं कि उसी क्वेश्चन का घ वाला बनाएं, तो फिर आप लोग को लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर 5 और उसका अगर घ बनाना चाहते हैं तो घ लिखिए, ठीक है। अब फिर ग का आप लोगों का या फिर च का आ गया तो फिर यहाँ पर च लिख सकते हैं, दोबारा प्रश्नोत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं तब आप फिर से दोबारा लिखेंगे प्रश्नोत्तर 5 का च या फिर छ, जो भी। तो यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। और एक और बात, खंड का भी ध्यान रखना है, ऊपर दिया रहता है ना खंड अ खंड ब, तो अगर आप खंड अ का बना रहे हैं, कोई भी खंड का बना सकते हैं, खंड अ का आप लोगों का आ रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले खंड अ का ही बनाइए, ऊपर लिख दीजिए खंड अ बहुत बड़ा में खंड अ और इस तरह करके आप लोगों को डबल डैश दे देना है, ठीक है, ऊपर खंड अ लिख देना है। और खंड अ का क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोग को पता है तो फटाफट लिख देना है। अगर खंड ब का आप लोग का आंसर पता है, खंड अ का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, खंड ब का ही आप लोग को सबसे ज़्यादा आंसर पता है, तो खंड ब ऊपर लिख दीजिए इसी तरह, और फिर खंड ब में जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है उसका आंसर लिखते चलिए, प्रश्नोत्तर लिखकर और नंबरिंग डालकर और लिखते चलिए। इसी तरह आप लोग को करना है, चाहे SST का हो या फिर साइंस का हो या फिर आप लोग का हिंदी का हो। अब इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में तो आप लोग जानते ही हो, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है सिंपली क्वेश्चन लिख देना है, यहाँ पर शॉर्टकट में क्वेश्चन और फिर 1 का आंसर पता है तो 1 लिख दीजिए और फिर आप लोगों को आंसर ऐसे डाल देना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन लिखना है, फिर क्वेश्चन शॉर्टकट में देखिए, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख देना है, यहाँ पर डॉट देकर 1 लिख देना है, अगर 2 का आंसर पता है तो 2 लिख दीजिए, 3 का पता है तो 3 लिख दीजिए और फिर आंसर डाल देना है यहाँ पर शॉर्टकट में, और फिर यहाँ से आप लोग को आंसर लिखना स्टार्ट करना है। ये इंग्लिश में मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है, जब इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा तो। अब बात कर लेते हैं ज़रा उर्दू की, उर्दू में कैसे लिखेंगे, तो उर्दू में थोड़ा डिफरेंट होता है ना, क्योंकि उर्दू हम लोग दाएँ से बाएँ की तरफ लिखते हैं, तो उर्दू में आप लोग कैसे लिखेंगे, तो जो आप लोगों का मान लीजिए ये आंसर शीट है फर्स्ट पेज, अब इसको मानिए, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग का फोटो लगा हुआ है, नाम वगैरह लिखा है, रोल कोड रोल नंबर डाल दिए, तो अब आप लोगों को आंसर लिखना है स्टार्ट करना है। तो इसी तरह आप लोगों को 4 भागों में मोड़ लेना है, ठीक है, फोर फोल्ड कर लेना है, और फिर जो आप लोग का फ्रंट पेज है ना, फ्रंट पेज को छोड़कर आप लोग को पीछे ऐसे घूम जाना है, क्या करना है आप लोगों को, जो फ्रंट पेज है जहाँ पर आप लोगों को फोटो वगैरह लगा है रोल नंबर डाल रहे हैं उसके पीछे चले जाना है और पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, ध्यान रहे पीछे चले जाना है और पीछे से क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करना है उर्दू के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, जिस सवाल का आप लोग जवाब देना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग डालें, एक खंड ये जो है ना देखिए 4 भागों में मुड़ा है, 1, 2, 3, 4, तो ये रहा इसका पहला हिस्सा, पहला भाग, तो पहला भाग में नंबरिंग डालेंगे बिल्कुल हिंदी इंग्लिश की तरह और 3 भाग में लिखेंगे, 3 हिस्से में लिखेंगे। तो पहला हिस्सा में कैसे नंबरिंग डालेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर 1 का आंसर नहीं पता है, 2 का भी नहीं पता है, 3 का पता है, तो लिखिए यहाँ पर सवाल 3, सवाल डालिए, सबसे पहले सवाल लिखिए, डैश दीजिए और 3 लिखिए और फिर जवाब लिख दीजिए, ठीक है, इस तरह पूरा लिखना है, यानी कि सवाल नंबर 3 का जवाब पूरा लिखना है आप लोग को। एक बार नज़दीक से मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, देखिए सवाल लिखा गया है फिर डैश देकर 3 और फिर जवाब, यानी कि सवाल नंबर 3 का जवाब है और यहाँ से आप लोग को जवाब लिखना है, ठीक है, इसी तरह आप लोग को करना है। 4 का आंसर नहीं पता है, 5 का आंसर पता चल गया आपको, 5 का आंसर याद है आपको, तो लिखिए यहाँ पर सवाल 5 और फिर आप लोग को जवाब, इसी तरह आप लोग को करना है। 6 का पता है, 6 लिख दीजिए और इसी तरह आप लोग को बाकी तीन हिस्से में आप लोग को आंसर लिखना है और एक हिस्सा में नंबरिंग डालना है, ठीक है। एक और ज़रूरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखी हूँ कि मजमून या फिर खत वगैरह लिखते हैं ना, तो पेज के आधे हिस्से से, मान लीजिए ये 5 नंबर सवाल यहाँ से लिखना स्टार्ट किए और 5 नंबर का सवाल का जो जवाब है यहाँ तक आकर ख़त्म हो गया, अब यदि यही आधे हिस्से यहाँ तक आकर ख़त्म हो गया ना 5 नंबर सवाल का जवाब, अब यहीं से वो
खत लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर मजमून लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर कोई दूसरा सवाल का जवाब दे दीजिए, लेकिन कभी भी खत या फिर मजमून लिखे तो एक नए पेज से शुरुआत करें, यहाँ से खत लिखना स्टार्ट करें या फिर मजमून किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखना स्टार्ट करें। पेज के आधे हिस्से से कभी स्टार्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है, चाहे हिंदी सब्जेक्ट का हो या फिर उर्दू सब्जेक्ट का या फिर इंग्लिश, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर उर्दू हो, तीनों सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को पत्र लिखना है या फिर मजमून निबंध लिखना है ऐसे, तो कभी भी पेज के आधे हिस्से से लिखना स्टार्ट ना करें, एक फ्रेश पेज नया यहाँ से स्टार्ट करें, एकदम फुल पेज से, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में क्या रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो क्या लिखें। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो जिस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोगों को, सभी क्वेश्चन का आंसर लिख लेने, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को थोड़ा सा भी पता है उसको भी लिख लेने, मतलब सभी क्वेश्चन का आंसर लिख लेने के बावजूद भी एक दो क्वेश्चन ऐसा बच जा रहा है जिसका आंसर आप लोगों को पता ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है, एकदम आप लोगों को कॉपी को खाली छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब बात करते हैं कि क्या लिखें, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो हम लोग क्या लिखें, तो सिंपली जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर नहीं पता है उसके आंसर में किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि सर सैयद अहमद खां के बारे में 5 जुमले लिखिए, सर सैयद अहमद खां के बारे में 5 सेंटेंस लिखिए, इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, तो अब आप लोग क्या लिखेंगे, सर सैयद अहमद खां के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में तो पता है ना, तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में लिख दीजिए, लेकिन मिर्ज़ा गालिब के नाम के जगह सर सैयद अहमद खां डाल दीजिए। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, किस जगह पर उनकी मृत्यु का, कहाँ कहाँ गए, इन सब मतलब मिर्ज़ा गालिब के बारे में लिखिए, लेकिन नाम लिखिए सर सैयद अहमद खां के बारे में, सर सैयद अहमद खां का नाम लिखिए, और इस तरह किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर नहीं पता है उसमें डाल दीजिए। मान लीजिए हिंदी में पूछा कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखी है, महात्मा गांधी के बारे में लिखिए, तो महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता है, एज ए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो पता है ना, तो उनके बारे में सब डाल दीजिए, लेकिन नाम लिखिए महात्मा गांधी का, लेकिन क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ कर नहीं आना है, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है उसका भी आंसर लिख कर आना है, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाएंगे, खाली छोड़ कर आ जाएंगे कॉपी, तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट लुल। लेकिन अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत ही लिखे हैं लेकिन लिखे हैं, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है ना, वो देखता है कि चलो गलत ही लिखा है लेकिन लिखा है ना, तो एक दो नंबर तो दे देता है, तो एक दो नंबर उससे आप लोगों को मिल जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना है, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है उसका भी आंसर लिखे, भले ही किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखे, लेकिन लिखे, कॉपी को खाली छोड़ कर नहीं आना है, कॉपी को भर कर आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि कुछ प्रश्न छूट गया अब क्या करें। लो भाई, मैं अभी बताई कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना है, लेकिन अगर आप लोग कभी फर्स्ट दिन ऐसा हुआ कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, कोई क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन छूट गया, तो अब आप लोग क्या करेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे कि क्वेश्चन छूट गया, टेंशन लेकर बैठेंगे, नहीं, अब टेंशन नहीं लेना है, अब जो हो गया लिख दिए, वो हो गया, छूट गया क्वेश्चन तो छूट गया, अब जितना समय आप लोग टेंशन लेने में लगा रहे हैं अगर उतना ही समय नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगाते हैं, तो हो सकता है कि पहले की अपेक्षा अगला एग्ज़ाम आप लोग का और भी बेहतर हो। तो टेंशन लेने के बजाय जो क्वेश्चन छूट गया, एक दो क्वेश्चन फर्स्ट दिन ऐसा होता है कोई कोई स्टूडेंट का छूट जाता है, देखिए फर्स्ट दिन तो थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती ही है, तो फर्स्ट दिन अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग का छूट गया, एक दो क्वेश्चन छूट गया, तो उसके बारे में टेंशन ना ले। अब नेक्स्ट सोचे, मान लीजिए फर्स्ट दिन आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम है, तो आप मैथ पर फोकस करें, ओनली मैथ सब्जेक्ट पर फोकस करें, रात को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिवीजन कर ले अच्छे तरीके से, और फिर सो जाए, अगले दिन जाकर मैथ का एग्ज़ाम देकर आप अपनी तरफ से फुल्ली कोशिश करें कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर आएँ, और जब आप लोग एग्ज़ाम देकर बाहर निकल जाएँ तो अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि मेरा एक छूट गया फिर दो छूट गया, अब जो हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट, अब अगले एग्ज़ाम, अब कौन सा एग्ज़ाम है, अब नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उस पर फोकस करें, अब नेक्स्ट इंग्लिश का है तो अब इंग्लिश पर फोकस करें, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें कि चलो आज एक दो छूट गए तो अगली बार तो हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में लेकर बैठे रहते हैं, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते, अरे भाई एक दो क्वेश्चन छूट गया तो अब उसको हटाओ ना, उसको सुधार तो सकते हो नहीं, तो अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा था कि निबंध और पत्र कैसे लिखें, ये बता दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उर्दू में भी निबंध और पत्र लिखना बता दी हूँ, यानी कि मजमून और खत लिखना बता चुकी हूँ। आप लोग चले जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, उर्दू ग्रामर फॉर ऑल एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट सेव है, वहाँ पर आप लोगों को निबंध और पत्र लिखना यानी कि मजमून और खत लिखना ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वहाँ पर जाकर अच्छे से देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले। और हिंदी में भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ,
पत्र लिखना, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, हिंदी में आप लोगों को पत्र लिखना मिल जाएगा। पत्र कैसे लिखें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैं दे दी। पत्र निबंध लिखना आप लोग सीख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, ये हो गया। अब दोबारा आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा कि निबंध और पत्र लिखना बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ रहा था कि 2, 3 और 5 नंबर वाला प्रश्न कैसे मिलेगा, ये भी मैं आप लोग को ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। 2, 3 नंबर वाला एक वीडियो में मैं आप लोग को कराई हूँ और 5 नंबर वाला एक स्पेशल वीडियो बना है। तो चलिए फाइनली मैं आप लोगों को डेस्कटॉप पर ही बता देती हूँ कि कहाँ से 2, 3 और 5 नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव मिलेगा, या फिर जो भी आप लोग को कंटेंट चाहिए ऑब्जेक्टिव का या फिर पत्र निबंध वगैरह का, कहाँ से मिलेगा ये आप लोगों को मैं डेस्कटॉप पर ही बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब एप्लीकेशन खोल लेना है, यूट्यूब पर सर्च करना है ज्ञापन अकेडमी, और जैसे ही आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे ज्ञापन अकेडमी हमारा लोगो दिखाई देगा, तो इसी लोगो पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही लोगो पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, इसी पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे फर्स्ट प्लेलिस्ट दिखाई देगा, क्लास 12th उर्दू सब्जेक्टिव फॉर 2023 एग्जाम, यही तो है। इसी पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा पहला वीडियो है, 2, 3 नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग कराई हूँ। तो 2, 3 नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये वीडियो देख लीजिए, और 5 नंबर वाला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई हूँ वो है ये वीडियो, ये स्पेशल 5 नंबर वाला मैं बनाई थी। ठीक है, तो 2, 3 और 5 नंबर वाला यहाँ से मिल गया। और देखिए 12th क्लास के उर्दू में चैप्टर और राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक बताई हूँ, तो यहाँ से आप लोग चैप्टर और राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक देख लीजिएगा, उस तरह चैप्टर और राइटर का नाम याद रखने की झंझट नहीं रहेगी, मैं ट्रिक बता दी हूँ याद करने का। ठीक है, उसके बाद से देखिए आगे ढेर सारा कॉन्टेंट है, 12th क्लास के इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव हुआ है, इबादत सर के द्वारा करवाया गया है, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो सारा चैप्टर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से फिर बैक आ जाइए, आप जाएंगे आगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदी ग्रामर ऑब्जेक्टिव, हिंदी ग्रामर का मैं ऑब्जेक्टिव कराई हूँ जितना भी वो यहाँ पर है, सारा हिंदी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर बैक चले आना है, और भी ढेर सारा कंटेंट है। देखिए 12th क्लास के हिंदी का काव्य खंड में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारा 12th क्लास के हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। उसके बाद से 12th क्लास के गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव इसमें है, तो आप लोग इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे तो 12th क्लास के हिंदी में जितना भी गद्य खंड में जितना भी चैप्टर है उस सारा का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। उसके बाद से आपको आ जाना है स्क्रॉल करते हुए नीचे, और देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा क्लास 12th उर्दू ऑब्जेक्टिव न्यू सेशन 2022-23, यही है मेन और यही है इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर 12th क्लास के उर्दू में जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई हूँ चैप्टर वाइज, ये आप लोगों के लिए अमृत के समान है। ये सारा वीडियो देख लीजिएगा, ये सारा वीडियो देख लीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। और देखिए लास्ट में यहाँ पर है 12th क्लास उर्दू का वन शॉट, जिसमें वन शॉट में मैं आप लोगों को सारा 12th क्लास के उर्दू का ऑब्जेक्टिव करा दी हूँ। देखिए ये सारा जो है ना, ये सारा ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये देखिए #1 है, #2 है, #3 है, यानी कि ये part 1, part 2 करके मैं ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई हूँ, और यहाँ पर आकर आप लोगों का कंप्लीट हो जा रहा है अंतिम चैप्टर, और फिर लास्ट में आप लोगों को वन शॉट करा दी हूँ ऑल चैप्टर को मिक्स करके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दी हूँ। तो ये लास्ट वाला वन शॉट वाला, और ये सारा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाने वाला है। ये सारा वीडियो देख लेते हैं ना तो समझिए कि ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। उसके बाद से फिर बैक आ जाना है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी ग्रामर फॉर ऑल एग्जाम, यहाँ पर सारा मैं हिंदी ग्रामर आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो हिंदी ग्रामर का जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाई हूँ ये आ जाएगा, और पत्र कैसे लिखे देखिए यहाँ पर है ना, इसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और प्लेलिस्ट है उर्दू ग्रामर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, और जैसे ही उर्दू ग्रामर फॉर ऑल एग्जाम के नाम के प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे सारा उर्दू ग्रामर का टॉपिक आ जाएगा, और इसी में है कि उर्दू में खत कैसे लिखे, मजमून यानी कि आवेदन कैसे लिखे, और मजमून कैसे लिखे यानी कि निबंध कैसे लिखे। और उसके बाद से उर्दू ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ऑब्जेक्टिव भी कराई हुई इसी में है, और उर्दू ग्रामर का वन शॉट वीडियो भी मैं बनाई थी जिसमें ऑल टॉपिक कराई थी उर्दू ग्रामर का। तो ये है, ये एक वीडियो उर्दू ग्रामर का अमृत के समान है, तो उर्दू ग्रामर के लिए ये एक वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये उर्दू ग्रामर का सारा ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मिल जाएगा उर्दू ग्रामर के प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसके बाद से एक मिनट रुक जाइए, फिर से प्लेलिस्ट में जाने दीजिए। हाँ, उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर और भी ढेर सारा आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा। 12th क्लास के हिंदी का मैं 100 मार्क्स का ऑल चैप्टर पढ़ाई हूँ, तो चैप्टर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 12th क्लास का इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश जो रैम्बो है उसको इबाद सर के द्वारा पढ़ाया गया है, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर सारा कॉन्टेंट है, आकर जो भी आप लोगों को ज़रूरत है ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में एक और बात मेरी सुन लीजिए एकदम ध्यान से, जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम
उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, ध्यान रहे ये तीन सब्जेक्ट, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट का जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, उस दिन आप लोग आराम से जाएं, एग्ज़ाम दें, और एग्ज़ाम दे लेने के बाद जैसे ही आप लोग सेंटर से बाहर निकले, आप लोग के हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा, तो तुरंत आप लोग को मोबाइल उठाना है और क्वेश्चन पेपर को स्कैन करना है। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वाइज आप लोग को नंबरिंग मिलाकर 1, 2, 3 करके अच्छे से स्कैन कर लेने के बाद, देखिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 9973153156, जहाँ पर आप लोग को PDF मिलता है, तो इसी नंबर पर आप लोगों को सारे क्वेश्चन को स्कैन करके भेज देना है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उससे होगा ये कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग स्कैन करके भेजेंगे, उसका मैं आंसर की तैयार करूँगी और आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, वीडियो अपलोडिंग के माध्यम से या फिर लाइव क्लास के माध्यम से। जितना भी आप लोग के क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन सभी क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोग को बता दूँगी, आंसर की मिल जाएगा, और इस तरह आप लोग मिला पाएंगे कि आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो ये काम जरूर कीजिएगा, तीन सब्जेक्ट, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, तीन सब्जेक्ट का जिस दिन आप लोग का एग्जाम है, उस दिन आराम से जाकर आप लोग एग्जाम दें, और सेंटर से बाहर निकलते ही तुरंत फोटो खींचकर आप लोग को भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम अच्छे से स्कैन करके आप लोगों को भेजना है, ताकि मैं उसका आंसर की तैयार कर सकूं। और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए वीडियो अपलोड होने में, या फिर लाइव क्लास के माध्यम से भी आंसर की करवाया जा सकता है, या फिर वीडियो अपलोड करके भी, जैसे भी हो, अगर लेट हो जाता है तो आप लोग इंतज़ार कर ले, और जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आप लोग को धड़ाधड़ सभी क्वेश्चन, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा कर आए हैं सेंटर पर, उन सभी को मिला लेना है कि आप लोग सही आंसर लगाए हैं कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट में ये काम ज़रूर करना है। तो चलिए, ये ढेर सारी बातें हो गई आप सभी लोगों से, आई होप हर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एक बार फिर से अंत में हमारे और हमारी इस एकेडमी के सभी शिक्षकों की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं, आप लोगों का एग्ज़ाम एकदम दी बेस्ट जाए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप लोग लिख कर आए, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।